छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव के लिए अब प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। मतदान को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व पर युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मतदान के विषय पर अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि जागरूक मतदाता वोट देने के साथ ही अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए उत्साहित करें, उनको बताएं कि विकास के लिए एक वोट कितना कीमती है। मैं कहना चाहूँगी कि अपने जो वोट का मतदान का जो ताकत है वो हमें दिखाना चाहिए। सब जाके, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब जाके वोट दे, जल्दी जल्दी जाके मतदान करें ताकि जो हमें एक अच्छा सरकार मिल सके और हमारा जो मतदान है वो सक्सेसफुल हो सके, कोई भी ना छूट पाए। मैं राजेश अग्रवाल, मेरा कहने का मतलब कि कल 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में एक जागरूक मतदाता होने के नाते हर व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और मतदान जो हमारा अधिकार है उसका हमको सदुपयोग करना है। मतदान सभी कार्य को छोड़ के हमको मतदान पहले करना है, सुबह उठ के दूसरा काम बाद में, जलपान बाद में, पहले मतदान से। हमारा अनुरोध है कि निर्विरोध निष्पक्ष चुनाव के लिए हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सब काम छोड़ के अपना मतदान दें और हर चीज़ को विजय बनाएं, सब चीज़ को। लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन 17 तारीख को होने वाला है। कृपया अपने मत की ताकत को पहचानें और 17 तारीख को वोट जरूर दें।